जीडीपी का स्टैटिक आया है उसमें 3.1% का डिक्लाइन है, और इसको कहा गया है स्टैटिक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कि ये जो डिक्लाइन है दिस इज बिकॉज ऑफ कोविड 19। देखिए जब कोविड नहीं भी था, कोविड 19 नहीं भी था, तब भी इनकी जीडीपी गिरती चली जा रही थी। अब तो कोविड 19 का एक बहुत अच्छा इनको कवच कुंडल मिल गया। अदरवाइज इन्होंने इसके पहले आप देखो ना 3.5-4.5 इससे ज़्यादा कहाँ थी। इससे ज़्यादा तो जीडीपी बांग्लादेश की और श्रीलंका की रही है, उनकी फिर भी 8 गई है और 6.5 रही है, हमारी तो 3.5-4.5 ही रही है। तो ये सरकार सिर्फ आंकड़े की कलाबाजी करती है, धरातल पे जनता के बारे में नहीं सोचती है, ये सत्ता के बारे में सोचती है। और जो सरकार सत्ता के बारे में सोचेगी वो जनता के बारे में कभी नहीं सोच सकती। सिर्फ उसको जाति धर्म की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पानी है, देश का और समाज का विकास करके नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 4 MOU साइन किए हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ, जिसमें कहा है कि जो भी श्रमिक आ रहे हैं, जो भी इमिग्रेंट्स हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट। देखिए आदित्य योगी नाथ जी के पास में कोई अच्छा पेन है शायद, वो MOU के साइन करने के लिए बना है, जिसका बस साइन होता है लेकिन काम नहीं होता है। इसके पहले भी 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का वादा किया गया था और 371 यूनिट लगेंगे, इंडस्ट्री लगेंगी। कितनी लगी, कितने 4.5 लाख करोड़ में से कितना पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ अभी तक सरकार नहीं बता पाएगी। आज फिर AMU साइन हो गया। ये AMU साइन करते हैं इसीलिए कहते हैं ना ये कागजी सरकार है, जमीनी सरकार नहीं है। जमीन पे इनको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कागज पे AMU साइन करते रहते हैं, धरातल पे इनका AMU उतरता नहीं है, सिर्फ कागज और फाइलों में रह जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सब लोग कहते हैं कि झूठी पार्टी है, ये सिर्फ झूठे जुमले और सपना देना जानती है, हकीकत में शून्य है।